गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कल की भगवान की। आप सभी का हमारे चैनल नित्या मॉम एंड लव में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल नित्या मॉम एंड लव। बच्चे का पहला दांत निकलना जितना माता पिता के लिए खुशी की बात होती है, उतना ही ज़्यादा वो परेशानी का सबब बन जाता है बच्चे के लिए, क्योंकि इस समय में उसको मसूड़ों में बहुत दर्द होता है, बुखार आता है, कईयों को दस्त लग जाते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब बच्चे के दांत निकलने वाले होते हैं, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे के दांत निकलने वाले हैं, और क्या क्या इलाज आप कर सकते हैं या कैसे आप बच्चे को आराम दिला सकते हैं इस परेशानी से, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब बच्चे के दांत निकलने वाले हों तो उसको अक्सर दस्त हो जाते हैं, उसके मसूड़े सख्त हो जाते हैं, बच्चे को बुखार आने लगता है, मसूड़ों में खुजली आती है, बच्चा कुछ भी उठा के बस उसको चबाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके मसूड़ों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है उसे। उसको एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे का जो दांत निकलता है वो मसूड़े को चीर कर बाहर आता है, इसकी वजह से मसूड़े भी सख्त होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा खुजली आती है और बहुत परेशानी होती है। जैसे हमें हमारे दाढ़ सपोज टूटने वाली है या कोई दांत टूटने वाला होता है, हमें उसमें दर्द होता रहता है, ऐसा लगता है कि कब डॉक्टर उसको खींच कर निकाल दे, तो उतना ही दर्द बच्चे को दांत निकलते टाइम पर होता है। तो हम समझ सकते हैं कि उनको कितनी परेशानी का सामना उस टाइम पे करना पड़ता है, और बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते, सिर्फ चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इस सभी परेशानियों से हमें उनको निजात दिलाना चाहिए, और उसके लिए हमें क्या क्या करना है चलिए जान लेते हैं। आप बच्चे की मालिश कर सकते हैं। अगर आप हल्के हाथों से उसके हाथ पैरों की मालिश करेंगे, उसके सर को रगड़ेंगे अच्छे ऑयल से, तो बच्चे को बॉडी में उसको आराम मिलेगा और उसको नींद आ जाएगी। उसके मसूड़ों पे भी हल्की मसाज आप दे सकते हैं जिससे कि उसको दर्द में राहत मिले। पॉसिबल अगर हो पाए तो इस समय में बच्चे को लिक्विड चीज़ें ज़्यादा दें। अगर माँ का दूध आप बच्चे को देते हैं तो उसको निकाल कर आप फ्रीज में कुछ टाइम पर रख सकते हैं, उसके बाद उसको बॉटल में या निप्पल की सहायता से आप बच्चे को पिला सकते हैं। जब ठंडा दूध या कोई भी ठंडी चीज़ उसके मसूड़ों पे लगेगी तो उसको दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। अगर आपका बच्चा इस समय में सो रहा है तो उसको आप सोने दीजिए, उसे ज़बरदस्ती जगाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जितना वह सोएगा उतना ही उसको दर्द में आराम मिलेगा। शिशु को इस समय में आप शहद खिलाएं। अगर बच्चा शहद नहीं खा रहा है या नहीं चाट रहा है तो आप मदर के ब्रेस्ट के निप्पल पर आप शहद लगा सकते हैं। जब वो दूध पिएगा तो थोड़ा शहद उसके मुंह में जाएगा जिससे उसको मसूड़ों में आराम मिलेगा। साफ़ सफाई का ध्यान काफ़ी ज़्यादा रखें, क्योंकि इस समय में बच्चा कोई भी चीज़ जो उसको अपने आसपास दिखाई देती है उसी को वो मुँह में डाल लेता है। अक्सर बच्चों को इस समय में दस्त या बुखार की शिकायत होती है, उसका कारण वही होता है कि हम अच्छे से साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते। बच्चा बेडशीट या कंबल या उसके आसपास जो भी चीज़ उसको दिखाई देती है वो मुँह में डाल लेता है, और उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो जाता है और लूज़ मोशन जैसी परेशानी हो जाती है। तो आप खास तौर पर साफ़ सफाई का इस समय में ज़्यादा ध्यान रखिए। बच्चे के आसपास जो भी चीज़ें आप रखते हैं वो अच्छे से साफ़ हों। बच्चे को जो भी टॉयज़ आप देते हैं सिलिकॉन के या प्लास्टिक के, वो अच्छे से स्टरलाइज किए हुए हों, वही चीज़ें उसके आसपास होनी चाहिए। इस समय बच्चा कुछ भी चीज़ें उठाकर मुँह में डालता है तो आप उसको टीदिंग टॉयज़ दे सकते हैं जो स्पेशली इसी समय के लिए बनाए जाते हैं, ताकि बच्चा जब कुछ भी चबाने की कोशिश करे तो वो टीदिंग टॉयज़ चबाता रहे और इससे उसको आराम मिलता है। इस समय में बच्चे को हरे पत्तेदार सब्जियों के सूप बना के आप पिला सकते हैं। उबले हुए आलू या उबला हुआ सेब आप उसको खिला सकते हैं, या फिर आप केला उसको खिला सकते हैं, जो चीज़ें खाने में बहुत ही नरम होती हैं और बच्चा आसानी से उसको खा पाता है। थोड़े थोड़े समय में आप बच्चे को पानी पिलाते रहें ताकि उसकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। तो ये सारे उपाय आप अपना सकते हैं अगर आपका बच्चा भी दांत निकलने की परेशानी का सामना कर रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कल की भगवान की।